नमस्कार दोस्तों फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही यू नो बटरफ्लाइज़ होंगी आपके स्टमक में बहुत ही नई नई एक्साइटमेंट्स होती हैं क्योंकि नया नया कॉलेज होता है नई नई डिग्री है लॉ की डिग्री एक ऐसी डिग्री है जहाँ पे एल की जिसे हम कहते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी बैकग्राउंड से कभी भी लिंक्ड नहीं होती आ, हमने कभी भी आई पी सी कह लो बी जो कि अब बन चुका है हमने वो पहले कभी टेंथ में नहीं पढ़ा चाहे आप एविडेंस सब्जेक्ट ले लो बाकी सब सब्जेक्ट जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे हो सकता है हिस्ट्री हो चाहे हो सकता है आपने जोग्राफ़ी पढ़ा हो कहीं ना कहीं वो हमें एक यू you नो know, पहले हमने टेंथ तक पढ़ा होता है एक थोड़ा सा एसेंस होती है इंजीनियरिंग में भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का पता होता है लेकिन लॉ में हमने ये सब सब्जेक्ट्स फ़र्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं और बिल्कुल ही नए होते हैं मैं आपकी बिल्कुल फीलिंग समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी यू नो लॉ की बैकग्राउंड से नहीं था तो जब मैं फर्स्ट टाइम एल में आया तो मेरे लिए बहुत ही नई नई चीज़ें थी नए नए सब्जेक्ट से नई नई बातें थी वो भी वैसी जो मैंने पहले नहीं सुनी थी जो मैंने गलतियाँ की वो मैं नहीं चाहता कि आप भी उसे रिपीट करें वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं कैसे हम प्रोसीड करें एल uh, में कैसे हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में प्रोसीड करें सो so, ये सब चीज़ें इस वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश करूंगा तब भी आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं देखिए दोस्तों वेन इट कम्स टू थ्री ईयर एल नाम से पता लग रहा है तीन साल की डिग्री है सो दिस इज फर्स्ट ईयर दिस इज सेकेंड ईयर एंड दिस इज थर्ड ईयर अब हर ईयर में दो सेमेस्टर्स होते हैं तो मतलब अपने पास टोटल सिक्स सेमेस्टर्स हैं हमें सिक्स सेमेस्टर्स क्लियर करने हैं तब जाके हमें लॉ की डिग्री मिलेगी आफ्टर थ्री ईयर ठीक है नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सबको स्पेसिफाई कर देना चाहता हूँ देखिए मैं मानता हूँ कि हम अभी नए नए आए हैं हमें अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है यू नो you know, अभी तो हम सिर्फ यही समझ रहे हैं कि दिल्ली में कैसे रहना है या फिर आसपास कैसे सब करना है एडजस्ट कैसे करना है लेकिन एक चीज़ मेरी प्लीज़ नोट डाउन कर करना कि ये जो वन पॉइंट फाइव ईयर है हाफ़ ईयर मतलब तीन का हाफ या फिर मैं कह लूँ कि पहले तीन सेमेस्टर्स हैं एल के इसको स्टार मार्क कर लो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेमेस्टर्स हैं देखिए मैंने भी ये गलती की है हर लॉ में जो आता बच्चा वो गलती करता है वो क्या करता है कि शुरू शुरू में इस डिग्री को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता आई सीरियस आई मीन कि वो इतना ज़्यादा यू नो अभी तो एडजस्ट ही कर रहा है तो अभी तो पता ही नहीं लगता कैसे पढ़ना है कैसे नहीं लेकिन आप प्लीज़ फोकस करना कि ये जो तो तीन सेमेस्टर्स हैं फ़र्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसी में हैं इसीलिए लॉ में बहुत पहले ही स्टार्टिंग से ही आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है वो आपके हाथ में दे दिए जाते हैं देखिए ये जो सेमेस्टर्स हैं जैसे फोर्थ हो गया फिफ्थ हो गया सिक्स हो गया मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऑफकोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन रिलेटिवली अगर मैं कंपेयर करूं तो पहले तीन सेमेस्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमेस्टर्स क्योंकि इसमें वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो आगे जाके आपको बहुत काम आने वाले हैं मैं एग्जांपल देता हूं आप में से कुछ बच्चे होंगे जो जुडिशरी का सोच रहे होंगे कुछ क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जुडिशरी का ही प्लान आउट कर रहे होंगे ठीक है एक तरफ मैं जुडिशरी ले लेता ले 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 हूँ और एक तरफ मैं प्रैक्टिस ले लेता हूँ ले एडवोकेसी किसी भी जुडिशरी का किसी भी मैं कह रहा हूँ किसी भी जुडिशरी का सिलेबस उठा लो उसका सिलेबस जो होगा ना ये पहले तीन सेमेस्टर्स में से होगा जो पहले तीन मैं मार्क कर रहा हूँ जैसे मैं डेढ़ साल कह रहा हूँ मोस्टली यही सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको एग्जांपल ही देता हूँ जैसे मैं कहूँ जैसे बी ले लूँ जो कि आई था पहले तो मैं आई अगर वर्ड यूज़ करूँ सी आर पी सी करूँ सी पी एविडेंस करूँ तो आप समझ लेना कि ये आपके ही सब्जेक्ट्स हैं ठीक है ठेके? और प्लीज़ आप ये कमेंट बॉक्स में मत लिखना कि आई अब तो बी हो चुका है आई क्यों कह रहे हैं आप देखिए एसेंस तो वही है कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई कंसेप्चुअल तो कुछ चेंजेस आए नहीं बस सेक्शन ऊपर नीचे हैं वो अलग बात है तो चलिए जैसे अब एग्जांपल के तौर पर ले लूँ बी एन ठीक है चलो एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ सी सी आर पी सी अब जो कि चेंज हो चुका है चलो एग्जांपल ले लेता हूँ एविडेंस या कुछ भी तो जुडिशरी का जब आप सिलेबस उठा के देखोगे ना यही सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और ये आपको पहले तीन सेमेस्टर्स में ही पढ़ा दिए जाते हैं और तब तक आपको ज़रा सा भी कुछ भी पता नहीं होता ज़्यादा ना आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो पहले जो तीन सेमेस्टर्स से हैं वो हल्के फुल्के से ऐसे ही निकल जाते हैं लेकिन उन्हीं पे फोकस करना है यही क्राइटेरिया है यही की है टू सक्सीड इन लॉ एलएलबी और एडवोकेसी में भी अगर आप जाएंगे अगर आप कुछ भी सिविल लॉयर भी बनते हैं अगर आप क्रिमिनल लॉयर भी बनते हैं तो यार आपको ये सब्जेक्ट्स आने पता होने बहुत जरूरी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी भी तरह के एडवोकेट बनते हैं चलिए मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ अभी शुरू शुरू में हैं तो आपको क्रिमिनल लॉ बहुत वो कर रहा होगा फैसिनेट कर रहा होगा तो क्रिमिनल लॉ की तरफ आप जरूर इंक्लाइन होंगे देखिए रियलिटी में जो आपको अभी ऐसे फैसिनेट कर रहा है क्रिमिनल लॉ वैसे रियलिटी में होता नहीं है रियलिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पहले तो वो बहुत अट्रैक्टेड होते हैं क्रिमिनल लॉ की तरफ कि एल में भी सारे सब्जेक्ट्स क्रिमिनल लॉ के लेते हैं मैंने भी लिया दैट्स टोटली फाइन हर हर एक बच्चा करता लेकिन द मोमेंट द रियलिटी हिट्स जब आप रियलिटी में देखते हैं कि ऐसा ऐसा होता है ये ये चीज़ें हैं तो तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ आपको सच में क्रिमिनल लॉ में जाना भी है या नहीं है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो कि पहले उन्होंने क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं बाद में वो आ, सिविल की तरफ आ जाते हैं सो जैसे मैं एडवोकेसी में भी बात करूं, तो एडवोकेसी में भी अगर आप क्रिमिनल लॉयर बनेंगे तो आपको आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप सिविल में जाएंगे तो आपको सीपीसी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये पहले तीन सेमेस्टर्स में ही पढ़ा दिए जाते हैं सो so, मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा मेरी चीज़ मेरी बात को बिल्कुल भी गलत मत ले लेना कि मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद के सेमेस्टर्स पढ़ने ही नहीं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन रिलेटिवली वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक तरह का स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो जाते हैं अब मैं कुछ भी आपके सामने उठ, उठा लेता हूँ कोई भी जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लूँ इंडस्ट्रियल लॉ अब हर पर्सन इंडस्ट्रियल लॉ में लिटिगेशन नहीं करेगा और जुडिशरी में भी बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे कुछ उठा लेता हूँ एग्जाम्पल uh, ले रहा हूँ ए डी आर या फिर एग्जाम्पल ले रहा हूँ इन्वायरमेंटल लॉ हम चाहे इन्वायरमेंटल लॉ कम्बिनेशन करें जरूरी नहीं और जुडिशरी में भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं सो so, मैं कह रहा हूँ रिलेटिवली ये जो पहले तीन के सब्जेक्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और मैंने अगर आपने मेरी जो रिसेंटली लास्ट को जो वीडियो डाली है अगर आपने वो वीडियो देखी हो कि थिंग्स आई लर्न इन थ्री ईयर उसमें मैंने आपको कहा भी है कि आप इंटर्नशिप्स करें बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कभी भी ये मना नहीं करूँगा कि इंटर्नशिप्स मत करें बहुत इंपॉर्टेंट है मैं तो खुद बच्चों को कहता हूँ कि यार इंटर्नशिप्स करो लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं फर्स्ट ईयर से कोर्ट चले जाऊँ कि एक फीलिंग लेने के लिए वाह यार मैं कोर्ट जा रहा हूँ या फर्स्ट सेमेस्टर से कोर्ट चले जाऊँ ठीक है अगर आपको यू नो केस फाइल्स उठानी है इधर उधर भागना है बस इतना ही काम करना है तो ठीक है चले जाइए ज़रूर जाइए लेकिन आपको सच में अगर लॉ सीखना है तो इंटर्नशिप्स करें वन पॉइंट फाइव ईयर के बाद या फिर सेकेंड ईयर के बाद दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आप इंटर्नशिप कर सकते हैं उसका रीज़न भी मैं आपको समझाता हूँ देखिए जब तक आपके पास एक थोरेटिकल नॉलेज नहीं होगी आप अप्लाई क्या करेंगे देखिए कोर्ट में बहुत सारे अलग अलग पर्सनस होते हैं जिन्हें एक मुंशी जी भी कहते हैं और भी आप में और उनमें क्या डिफरेंस है आप में और उनमें यही डिफरेंस है कि आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी है लेकिन बाकी लोगों के पास जो कोर्ट में ऐसे ही कोई और काम करते हैं लॉ वकालत कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं जितने एडवोकेट काम करते हैं वो भी जानते हैं लेकिन आप में एज एन एडवोकेट और बाकी पर्सनस में जो कोर्ट में कोई और जॉब कर रहे हैं उनमें यही डिफरेंस है कि आपको थ्रेटिकल नॉलेज आपको सेक्शंस की नॉलेज आपको आईपीसी की नॉलेज आपको ब्योर एक्ट की नॉलेज बहुत ज़्यादा है उनसे सो so, अगर आप फर्स्ट ईयर से फर्स्ट सेमेस्टर से इंटर्नशिप्स करने लग जाएंगे दैट विल रो योर करियर मतलब मेरा कहने का अगर आपकी फ़ैमिली में पेरेंट्स ही एडवोकेट हैं ठीक है उनके पास बैठ के शाम को ने सीख लिया वो एक अलग क्राइटेरिया लेकिन एक नॉर्मल बच्चे एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ इसीलिए पहले ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो ये पहले तीन सेमेस्टर्स वाले इंक्लूडिंग फोर्थ सेमेस्टर भी ये सब्जेक्ट्स पढ़ो एक बारी थ्ररेटिकल नॉलेज ले लो कि हाँ ये ये सेक्शंस हैं अच्छा ये ये प्रोसीजर है ये ये थ्योरी है ये ये सब सेक्शंस हैं इसमें ये कह रहा है इसमें ये कह रहा है उसके बाद जब आप कोर्ट में जाएंगे उसके बाद जहाँ भी इंटर्नशिप करेंगे किसी कॉपरेट फॉर्म में करेंगे किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर करेंगे किसी ए के अंडर करेंगे तो जो आपने पढ़ा होगा ना आप खुद फील करेंगे कि वो आज आप अप्लाई कर पा रहे हैं अब के तौर पे मैंने पढ़ लिया सी की एग्जांपल ले लेता हूँ कि एफ आई आर ऐसी फाइल होती है अगर एफ़ आई आर नहीं हुई तो मेरे पास ये ये प्रोसीडिंग्स रहती हैं कि मैं वन फिफ्टी सिक्स सेक्शन के अंडर दिस एंड दिस एंड मैं मैं हायर अथॉरिटीज़ के पास जा सकता हूँ मैं सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट कोर्ट के पास जा सकता हूँ जब मैंने थ्योरी में पढ़ा होगा तो उसे मैं अप्लाई भी कर सकता हूँ और जब मैं अप्लाई करूँगा तो थ्योरी और स्किल आपस में मिल जाएंगे तब जाके एक सही मिक्सचर जो है सही एडवोकेट जो है सही यू you नो know, एक सही लॉ लौ, लॉयर जो है वो बनता है सो so, इंटर्नशिप्स के बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि आप फोकस करना ज़रूर करना लेकिन 1.5 पॉइंट ईयर या फिर सेकेंड ईयर के बाद उतना टाइम तक आप अपने कॉलेज को देखिए ये जो तो तीन जो सेमेस्टर्स मैंने कहे हैं इनके सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आप समझ लेते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना कैसे देखिए कॉलेज के पास अगर आप कॉलेज भरोसे बैठे हैं कि हमें कॉलेज पढ़ाएगा हम बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे इन डेप्थ पढ़ेंगे तो कांटा मार दो उसके ऊपर क्रॉस मार दो ऐसा कुछ नहीं होने वाला देखिए एजुकेशन सिस्टम हम जानते हैं कोई ऐसा नहीं है कि आपको डेप्थ में जाके कोई सब्जेक्ट बहुत पढ़ाया जाएगा मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना आपको नहीं मिलता अगर मैं कह दूँ कि मैं कॉलेज के बुनियाद पर आप में से पूछ लेता हूँ मैं आपसे ही यू नो डिस्कस कर लेता हूँ कि आपने ग्रेजुएशन की होगी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यू you नो know, कोई भी बी बीए की डिग्री की होगी या कुछ भी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे वही सेम यूपीएससी में भी आ रहे हैं तो क्या आप कॉलेज की डिग्री पे यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं कभी भी नहीं कर सकते ऐसे ही ऐसे हमारे कॉलेजेज़ में भी है सिर्फ कॉलेज़ में पढ़ के जुडिशरी क्लियर नहीं हो सकता एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा एफ्स प्रोटेंड करना पड़ेगा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तो उसके लिए आप कोशिश करें कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही हर सब्जेक्ट को पढ़ के चलें जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ पहला सब्जेक्ट है जूरिस प्रोडेंट देखिए जूरिस स्टूडेंट्स ना बहुत जगह जुडिशरी में कहीं पूछा नहीं जाता लेकिन बुनियाद जिसे कहते हैं ना बुनियाद कि बिल्कुल जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो ढांचा है लॉ का वो ये जूरिस प्रूडेंट्स ही है सो जूरिस स्प्रूडेंट्स आपका बेसिक स्ट्रक्चर बनाएगा मानता हूँ कि यूपी के अलावा और बहुत जगह कहीं जूर स्प्रूडेंट्स नहीं पूछा जाता लेकिन यही आपका बुनियाद बनाएगा आगे लॉ पढ़ने के लिए बहुत सारी थ्योरीज होंगी सो जूडे स्पूडेंट्स के ऊपर फोकस करना इसको मत ऐसा समझना और बहुत सारी बैक भी आती है डी में डी यू एक बुरी बात कह लो या फिर एक बैक पॉइंट कह लो कि अब जितना मर्जी पढ़ लो जो मर्जी लिखा हो जब बैक आनी है तो आ ही जानी है सो डिसहार्टन मत होना अगर आपकी बैक आती है तो तो जूर स्टूडेंट्स के बाद दोस्तों अगर आपका अगला सब्जेक्ट जो आ जाता है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब तो देखिए इनको मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं खुद ब खुद समझ लो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर जुडिशरी में आना ही आना है हर जगह अप्लाई होना ही होना है एग्रीमेंट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अच्छे से समझो इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये सब चीज़ें समझोगे तो लॉ समझ पाओगे नहीं तो नहीं तो आपको करना क्या बेसिकली देखिए कॉलेज जितना पढ़ाएगा ठीक है पढ़ लीजिए दैट्स वेरी गुड लेकिन उसके अलावा भी आप कोशिश करें कि इधर उधर से अब देखिए दुखी होती है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डी में बेसिक चीज़ें सेमेस्टर के लिए तो आपको दुखी से पता लग जाएंगी मतलब आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम तो दुखी से पास हो जाएगा लेकिन उसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप किसी बुक लेके पढ़ सकते हैं पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही सेमेस्टर में ये आप सब्जेक्ट पढ़ पाएं हाँ मैं ये कह सकता हूँ सीरियस बेसिस पे कह रहा हूँ आपको कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी एक प्रॉपर बुक उठा लूँ तो ये भाई तीन सालों में सिर्फ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो मैं पढ़ ही लूँगा इतना उसमें डाटा होता है इस इतना उसमें मटेरियल होता है लेकिन मुझे उस लेवल का नहीं पढ़ना इनफैक्ट जगह जब आप जुडिशरी के लिए भी प्रिपेयर करोगे तब भी आपको इतना नहीं पढ़ना आपको इम्पोर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं उससे ज़्यादा नहीं तो आपको बेसिकली कैसे पढ़ना अगर मैं सिर्फ सेमेस्टर की बात करूँ आप दुखी से पढ़ सकते हैं और जब पेपर्स आएंगे प्लस प्रीवियस ले लेना ताकि आपको पता लग जाए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या केस लॉज को अच्छे से समझो देखिए केस लॉज का नाम जैसे x वर्सेस y जो भी उसका नाम है जो भी हम केस ले रहे हैं उसका नाम और उसमें कुछ फैक्ट्स कुछ इशू कि उस उस केस का इशू क्या उसके बाद जजमेंट ये तीनों चीज़ें केस की बहुत इंपॉर्टेंट है और यही तीनों चीज़ें आपने पेपर में लिखनी है अगला सब्जेक्ट जो आपके पास आ जाता है वो आता taught, है टॉट बहुत इंपॉर्टेंट है अनकोटिफाइड लॉ है इसके कोई भी बेयर एक्ट नहीं होता इसका कुछ भी नहीं होता टॉट क्या होता है कैसे होता है समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट और टॉट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं तो टॉट को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बाद दोस्तों लॉ ऑफ क्राइम्स जैसे आई पी सी यहाँ लिखे अब जो कि बी एन एस बन चुका है सेक्शन भी ऊपर नीचे हैं अगर किसी को आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसने आई पी सी के सेक्शन पहले रटे हुए थे वैसे होगा नहीं जस्ट हाइपोथेटिकल तो उसे भी कोई ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली कंसेप्ट वही है सब कुछ वही है सेक्शन ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा फर्क आया नहीं ठीक है सो आई पी सी जो कि अब बी एन एस बन चुका है स्टार मार्क कर लो सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते अभी से आज से पढ़ना शुरू कर दो डज नॉट मैटर बार बार फो कह रहा हूँ इस चीज़ पे कि क्लासेस लग रही हैं नहीं लग रही आज छुट्टी आ गई आज स्ट्राइक होगी आज इलेक्शन आ गई इलेक्शन के बीच में ही आपका बहुत सारा टाइम निकल जाएगा क्योंकि आप भी जानते हो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है नए नए बच्चे आते हैं सारा टाइम इलेक्शन में निकल जाता पढ़ाई हो रही है पढ़ाई कहाँ और ये कहीं नहीं किसी को कुछ नहीं पता सो फोकस आपने खुद करना है अपने ऊपर कोई आपको आके नहीं कहेगा कि बेटा पढ़ लो बेटा कुछ कर लो इलेक्शंस को छोड़ो यहाँ पढ़ लो तो आपको खुद ही पढ़ना है इट्स बेटर कि आप ये सब चीज़ों को अब साइड रख के अब आप बहुत ही हाई लेवल डिग्री में आ चुके हैं सब चीज़ों को साइड में रख के पढ़ाई के ऊपर फोकस करें कॉलेज पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा डज नॉट मैटर खुद पढ़ें और बहुत सारे वेज हैं बहुत सारी जगह है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब है और है बहुत सारी इनफैक्ट मैं भी जल्दी शुरू करने वाला हूँ ये सब सब्जेक्ट्स लॉ के तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं उसके अलावा फैमिली लॉ आ गया हर जगह पूछा जाता है यार मैं कहता हूँ एक बार आप उठा लो कोई जुडिशरी का सिलेबस हर जगह पूछा जाएगा सो so, आपको ये रफली मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट्स हैं आप देखोगे कि ये जो पहले दो सेमेस्टर्स हैं इन दोनों में कंपलसरी सब्जेक्ट हैं कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है आपकी मर्जी से नहीं चलेगा ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं आप पढ़ने ही पढ़ने है क्योंकि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शनल मिल जाएगा यहाँ पर आपको दो मिल जाएंगे हालाँकि अब डी ने एक थोड़ा सा अमेंडमेंट ले आए हैं इसमें उसके बाद फिफ्थ में भी आपको मिल जाएंगे सिक्सथ में भी ऑप्शनल मिल जाएंगे लेकिन इन दोनों सेमेस्टर्स में कोई ऑप्शनल नहीं मिलेगा उसका रीज़न है क्योंकि इसमें ऑप्शनल रख ही नहीं सकते सो so, आपको कैसे पढ़ना है दुक्की से पढ़ सकते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया सिंगल और जान की दुक्की आती है सी एल सी में ही मिल जाती है वहीं पर तो कोई भी आप बाय कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे एक बारी देख लेना लैंग्वेज जो भी आपको समझ आ रही है वो ले लेना तो दुक्की से पढ़ सकते हैं जब आपको दुक्की थोड़ा अंडरस्टूड हो गया कि हाँ समझ लग गया कि हाँ ये दिस एंड दैट और पता लग रहा है मुझे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं या तो आप कहीं कोई अच्छे टीचर यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं या फिर आप कोई बुक ले सकते हैं अच्छी बुक जो जो मोटी मोटी बुक्स पढ़ी है। मेरे पास भी बहुत पढ़ी दोस्तों लेकिन वो पढ़ी नहीं जाती फैक्ट यही है तो मर्जी है आपकी मतलब अगर आप की से कन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं दैट्स वेरी गुड को कोचिंग ले सकते हैं लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि इनके ऊपर फोकस करो और प्लस अपने जो केस मैट में लॉज हैं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो कि टीचर्स ने खुद कही है हमारे टीचर्स ने कि बच्चे केसेस तो लिखते हैं हो सकता है दस केस लिखा हो लेकिन वो दस में से सिर्फ दो ही केस जो थे वो केस मैट के केस हैं बाकी सब ऐसे ही इधर उधर से केस लिखा है देखिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है वेरी गुड एग्जामिनर को भी पता लगेगा आंसर शीट में लेकिन जो केस मैट में आपके केस मटेरियल में आपके केसेस हैं उनको तो लिखना ही लिखना है एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक टॉपिक पर पाँच केसेज हैं तो आपको वो पाँच तो मैंशन करने ही करने है उसके अलावा साथ में कोई और मैंशन करो दैट्स वेरी गुड दैट्स चेरी ऑन द टॉप लेकिन सबसे पहले आपको केस मैट के केसेज ही मेंशन करने हैं जो आपके केस मटेरियल में कहीं पूरा का पूरा केस पढ़ने मत बैठ जाना कोई फायदा नहीं फायदा नहीं होता फैक्ट्स पढ़ो उसका इशू समझो और उसकी जजमेंट समझो समझना ज़रूरी है रेदर देन कि मैं रट्टे मारी जा रहा हूँ लिखी जा रहा हूँ लिखी जा रहा हूँ कोई फायदा नहीं क्रक्स को समझो क्रक्स को कि ये जजमेंट दी तो क्यों दी बार बार आपने एक ही क्वेश्चन खुद को पूछना है वाए टीचर को पूछना है वाए क्यों जजमेंट ऐसी दी क्यों ऐसे इसे इंटरप्रेट ऐसे किया उसके पीछे का लॉजिक समझो सो so दिस यही लॉ है सारी की सारी जब आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाओगे कि ये चीज़ इसलिए हुई आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे कि इसका रीज़न ये है इस ऐसी जजमेंट इसलिए मिली तब आप समझ लेना कि आप लॉ में इंडल्ज होते जा रहे हो नीचे नीचे डेप्थ में जाते जा रहे हो ठीक है सो so, कुछ ऐसा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है इनके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हो कुछ पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है हो सकता है ये वीडियो हल्की सी लंबी बन गई हो लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ ना कुछ नॉलेजेबल आपको मिला होगा अगर मिला तो आप जानते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं सब आप सब जानते हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है यहाँ तक आप ही मुझे लेकर आए हैं आगे भी आप ही मुझे लेकर जाएंगे सो आप ही के भरोसे हूँ तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा सब कंटेंट अच्छा लग रहा है कुछ भी लग रहा है आप देख सकते हैं सब देख सकते हैं क्योंकि मैं भी इसी जर्नी से गुजरा हूँ इनफैक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का ही पास आउट हूँ अभी अभी बहुत मिस कर रहा हूँ कॉलेज को लेकिन आऊँगा ज़रूर आप सबसे मिलने किसी न किसी दिन आऊँगा कॉलेज दोबारा आऊँगा सो so, इस वीडियो को ले रखते हैं दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझने को मिला होगा नमस्कार